मैं अखिल भारतीय ब्राह्मण महिला मंडल में उज्जैन संभाग और इंदौर संभाग की प्रभारी हूँ और विशेषकर हम लोग महिलाओं के लिए बालिकाओं के लिए ही काम करते रहते हैं और उनमें जागरूकता लाने का प्रयास करते रहते हैं। कल शाम को जब मैं कोर्ट से लौट रही थी तो मेरे घर के पास में ही दो बालिकाएँ थीं और एक लड़का था, बहुत ज़ोर ज़ोर से बात कर रहा था, उनके पास में खड़ा भी था, तो मेरा ध्यान भी आया। फिर मैंने सोचा कि शायद आपस में कोई विवाद हो रहा होगा। मैं पास में ही घर, वहाँ मैंने गाड़ी अपनी खड़ी की। फिर एक दूसरा आदमी आया, बोला मैडम यहाँ पे आधा पौन घंटा हो गया, अरे दो लड़कियों को एक लड़का बहुत परेशान कर रहा है। तब फिर मेरे को वहाँ जाना पड़ा। वहाँ जाके मैं गई तो इनका विवाद चल रहा था, तो मैंने उससे पूछा कि भाई क्या है, आप क्या हो रहा है? तो वो इतने ज़ोर से बोला कि आप कौन है बीच में, ये हमारा मैटर है, हम कुछ भी कर रहे हैं इसके साथ। तब मेरे को गुस्सा आया कि भाई क्या। फिर मैंने बालिकाओं से पूछा तो बोला मैडम हम यहाँ कॉलेज में पढ़ते हैं सेंधवा में, और ये है ना 10-15 दिन से हमको परेशान कर रहा है, गंदे गंदे मैसेज कर रहा है और बोलता है कि मैं प्यार करता हूँ और मैं तुमको ले जाऊँगा, तुम्हारे पिताजी नहीं है, तुम्हारे भाई को पैसे वैसे भर दूंगा लेकिन मैं इसको ले जाऊँगा। तब बहुत गुस्सा आया, फिर मैंने उसको डांटा तो तीन चार लोग और आ गए, तो बोला मैडम क्या हुआ? मैंने कहा यार बदमाशी कर रहा है ये। तब उसको पकड़ा और फिर हम लोगों ने फ़ोन किया थाने पर, निर्भया पुलिस भी आई थी वो, पर महिला पुलिस सारे इकट्ठे होने में कुछ टाइम लग गया, पर वहाँ से छूट के भाग गया था। और उसका एक आइडेंटिटी कार्ड था उसके गले में जो लटका था, वो वहाँ रह गया, उसकी गाड़ी की चाबी वाबी वहाँ रह गई थी, दो तीन चाबियाँ थी वो रह गई। फिर हमने थाने पर सूचना दिया करके, पुलिस ने कार्रवाई तुरंत की है और FIR भी हुई है उसमें। और लड़कियों की एक बहुत अच्छी बात है कि वो लड़कियों ने यहाँ दिलेरी दिखाई, इस बात को छिपाया नहीं उन्होंने, और वो कह रही है कि ऐसे अपराधियों को सज़ा मिलनी चाहिए। तो पर समाज में भी पता नहीं कब रुकेगा, माहौल तो खराब होता जा रहा है, चौराहों पर ऐसी हरकतें बहुत शर्मनाक है।